गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पर पढ़ेंगे कबीर का काव्य सौंदर्य। कबीर की क्या विशेषताएं रही काव्य की, काव्य सौंदर्य क्या रहा, काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही, इन चीज़ों का जिक्र करेंगे। जनहित की दृष्टि से कबीर अपने अनुभवों को कविता के रूप में प्रस्तुत करता है। किन कबीर को जो अनुभव हुआ वैसा कबीर ने सोचा कि ये चीज़ें सब जनहित के लिए बहु उपयोगी हैं, तो उन्हीं चीज़ों को इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, वाणी के माध्यम से जनता में प्रसारित किया। काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति पक्ष और भाव पक्ष, या अभिव्यक्ति पक्ष या कला पक्ष। देखो, अनुभूति और भाव पक्ष एक ही हैं। दो पक्षों में अनुभूति पक्ष, या इसको भाव पक्ष कहते हैं, दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष, या इसको अपन कला पक्ष कहते हैं। भाव पक्ष क्या चीज़ होती है? कबीर के काव्य में या काव्य का क्षेत्र जो है बड़ा व्यापक क्षेत्र है, संकुचित नहीं है। काव्यात्मक रूप में अपने अनुभवों का वर्णन करते समय उनके काव्य में कल्पना और प्रकृति का उपयोग किया गया है। इनके काव्य के भाव पक्ष की कुछ यहाँ पर विशेषताएं कह सकते हैं, खूबियाँ कह सकते हैं, प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं, उनका अपन जिक्र करेंगे यहाँ पर। सबसे पहली कबीर की प्रवृत्ति या भाव पक्ष की विशेषता है, वह है गुरु का महत्व। कबीर ने योग साधना की थी। क्या, कौन सी साधना? योग साधना। उस साधना में तत्वज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है। साधना में गुरु के द्वारा निर्देशित नहीं किया जाए तो हो सकता है कि योग साधना में कई प्रकार के व्यवधान हो, इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है, अनिवार्यता रहती है। इस हिसाब से भी गुरु का बड़ा महत्व होता है। कबीर की गुरु महिमा संबंधी कुछ दोहे हैं। एक दोहा बड़ा कबीर का फेमस है, जिसमें कबीर कहता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहार गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यानी यहाँ पर भगवान से भी बढ़कर के गुरु को बताया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता गुरु ने ही बताया है। इस प्रकार से कबीर के गुरु की महिमा संबंधी जो पद हैं वह गुरुदेव को अंग शीर्षक से लिखा गया है और साखियाँ लिखी गई हैं। वे गुरु पर बलिहारी रहते हैं। दूसरी इसकी विशेषता या प्रवृत्ति है कबीर की, वह है प्रेम अनुभूति। कबीर के काव्य में योग, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों तो वर्णन मिलते हैं। कबीर ने अधिक महत्व प्रेम भक्ति को दिया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह सीधा सरल उपाय बताया है कबीर ने। कबीर कहते हैं, यदि ईश्वर के प्रति भक्ति न हो तो ज्ञान प्राप्त करने या पोथी पढ़ने का कोई लाभ नहीं। ईश्वर की प्राप्ति तो भक्ति से, प्रेम से
होती हैं। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होने पर भक्त का मन अपने आराध्य, अपने देव में रमा रहता है। ये था इनका प्रेम अनुभूति। फिर तीसरी विशेषता आती है विरह अनुभूति। जब ईश्वर के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो साधक के मन में एक ही इच्छा रहती है कि शीघ्र ईश्वर मिल जाए। उसे ईश्वर के बिना कभी चैन नहीं मिलता है। वह प्रेम की चरम अवस्था होती है। हर समय उसी की चिंता में, उसी के प्रेम में लगा रहता है। कबीर इसे आवश्यक भी मानते हैं। कबीर ने विरह को अंग में इस प्रकार की प्रेम भावना को वर्णित किया है। ये उक्तियाँ बड़े ही मार्मिक हैं, अत्यंत मार्मिक कह सकते हैं, जो विरह संबंधी लिखी गई हैं। फिर चौथी विशेषता कबीर के काव्य की हैं, वह हैं संसार की नश्वरता। कबीर इस संसार को क्षणभंगुर मानता है। कबीर बार बार हमें याद दिलाता है कि संसार के रूप में जो कुछ हमें दिखाई देता है वह सब क्षणभंगुर है, नश्वर है। व्यक्ति एक दिन अपनी जीवन भर की कमाई और इस संसार को छोड़ कर चल देता है। कबीर कहना चाहते हैं इसमें कि जो अविनाशी हैं उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करने में ही समझदारी है। नश्वरता के बारे में कबीर ने लिखा है कि जो उग्या सो आथवें, फूल्या सो कुमलाए, जो चिड़िया सो ढ पड़े, जो आया सो जाए। कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो फूला है वह मुरझाएगा, जो चुना गया है एक दिन वह ढहेगा, जो आया है इस संसार में उसको एक दिन जाना है। अगली विशेषता है ईश्वर मिलन। ईश्वर मिलन के बारे में कबीर ने कहा है कि ईश्वर मिलन के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है। किस प्रकार से जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर का मिलन होता है और उस समय जो आनंद की अनुभूति होती है वह वर्णातीत है। उसको अपन वर्णन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। वह मात्र अनुभव का विषय बताया है। उसे वही जान सकता है जिसे वह अनुभव हुआ हो। ईश्वर मिलने पर फिर कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु ईश्वर की प्राप्ति बहुत ही कठिन है। उनके लिए जीवन भर या आजीवन तक नौशावर करने को तैयार रहना पड़ता है। अगली विशेषता है इसकी मोक्ष प्राप्ति। कबीर के काव्य में आत्मा परमात्मा के मिलन, एकाकार होने, द्वैत स्थापित होने का वर्णन हुआ है। क्या कह रहा है कबीर कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने में चली मैं ही हो गई लाल। तो इस प्रकार से कबीर जो है वह अद्वैत स्थापित करना चाहता है, ईश्वर में एकाकार होने की बात करता है, आत्मा परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। अगली विशेषता है समन्वयवाद। कबीर ने अपने काव्य में किसी दर्शन का वर्णन नहीं किया। उनके दार्शनिक वर्णनों में कई दर्शनों की सारभूत बातें देखने को हमें मिल जाती हैं। कबीर
निसार बातें ग्रहण करने की बात अलग से भी कही है कि जो बात अच्छी है, सारभूत बात है, उसको ग्रहण कर लो और जो अच्छी बात नहीं है उसको आप छोड़ दो। यही कबीर का दर्शन है। क्या कहा है? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, दो था गई उड़ाए। अब ये कह रहे हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए, सूप के समान होना चाहिए जो अनाज छिटकता है और उसमें अच्छा अच्छा अनाज अपने पास रखता है, और जो हल्का होता है, थोथा अनाज होता है, उसको वह सूप अपने आप ही बाहर छिड़क देता है। तो ऐसा साधु का स्वभाव होना चाहिए। अच्छी और ज्ञान की चीज़ें ग्रहण कर लो और जो नश्वरता की बातें हैं उसको त्याग दो। हम इसको आगे ले जाते हैं तो कबीर के काव्य में इस्लाम का एकेश्वरवाद है, सूफियों की प्रेम और विरह की अनुभूति हमें मिलती है, वैष्णवों के सत्य अहिंसा वाले तत्व भी हमें मिलते हैं, सिद्धों और नाथों की योग साधना के हमारे को दर्शन होते हैं, बोधों की करुण भावना हमें इनके काव्य में मिलती है, भारतीय दर्शन का अद्वैतवाद देखने को मिलता है। इस प्रकार से कबीर ने सभी चीज़ों को छूते हुए एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। फिर देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कबीर की, वह है आडंबरों का विरोध। कबीर को एक महान समाज सुधारक कहते हैं। उनके समय समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था, रूढ़ियाँ, रीतियाँ, ढोंग, आडंबर चारों ओर फैले हुए थे। तब अनेक धर्म मत मतांतर थे, हिंदुओं में भी बौद्ध, नाथ, वैष्णव, शैव, शाक्त जैसे कई वर्ग बने हुए थे, मुसलमान निराकार के और हिंदू साकार के उपासक थे। कबीर ने समाज में व्याप्त आडंबरों का खुलकर विरोध किया और क्या कहा? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजे सो हरि को होई। कि जो जात पात का भेद नहीं रखता है और ईश्वर का स्मरण करता है वही ईश्वर का बंदा कहलाता है। उसी प्रकार से इन्होंने आगे भी कहा है कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चली मुला बांग दे का बहिरा हुआ खुदाए। इस प्रकार से आडंबर का खुलकर विरोध किया है। अब हम देखते हैं इसमें कि ये तो था हमारा भाव पक्ष, अब कबीर के काव्य में कला पक्ष कैसा था। कला पक्ष के अंतर्गत भाषा हैं, अलंकार हैं, प्रतीक हैं, छंद हैं, इनका विवेचन किया जाता है। कबीर के कला पक्ष को हम सबसे पहले लेंगे भाषा शैली, कि इन कबीर के काव्य की भाषा शैली कैसी थी। कबीर की भाषा जन भाषा है जिसमें तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं, देशज भी हैं, अरबी फारसी के शब्द भी हैं, भोजपुरी के हैं, ब्रज हैं, राजस्थानी हैं, खड़ी बोली हैं, पंजाबी के भी शब्द इसमें मिल जाते हैं। वास्तव में तो कबीर की भाषा प्रारंभिक हिंदी है। वैसे विद्वानों में से किसी ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा, किसी ने संध्या भाषा, किसी ने पूर्वी, किसी ने कुछ और बताया है। तो हम मोटे तौर पे कबीर की भाषा जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक ही सवाल आता है कि कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा है या सदुकड़ी भाषा है। फिर देखिए, कबीर के काव्य में कला पक्ष में अलंकार योजना कैसी थी। कबीर अपने काव्य में अन्योक्ति शैली, प्रतीक शैली, व्यंग्य शैली, उलटवासी शैली, प्रबोधन शैली, विरोधमूलक शैली आदि का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा शैली में चित्रात्मकता है, रोचकता की सभी विशेषताएं इनमें मौजूद रहती हैं। कबीर ने कोशिश करके अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, स्वाभाविक रूप से इनके काव्य में जो अलंकार आ गए हैं उन्हीं का प्रयोग किया, जानबूझ करके किसी अलंकार
का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। वर्णन के दौरान कई अलंकार स्वतः आ गए हैं। ऐसे अलंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, रूपक अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, विभावना, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थालंकार न्यास आदि हैं। फिर आता है कबीर के कलापक्ष में प्रतीक योजना। कबीर के काव्य में प्रतीकों का प्रयोग बहुत हुआ है। कबीर साधक थे, उन्होंने अदृश्य आत्मा परमात्मा संबंधी अनुभूतियों का वर्णन करते समय प्रतीकों का प्रयोग किया है। कबीर ने नित्य प्रतीक की जिंदगी से बहुत से प्रतीक चुने हैं कि जो जो दैनिक जिंदगी में जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उनको प्रतीक बनाया है। कबीर ने आध्यात्मिक वर्णन में माता पिता, पति पत्नी संबंधी प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। हरि मोर पीयू में राम की बहुरिया, क्या कहा है, हरि मोर में, हरि मोर पिए में राम की बहुरिया, कि हरि जो हैं वह मेरे पिए हैं, प्रियतम हैं, और मैं राम की बहू हूँ। हरि जननी में बाल कतोरा, हरि जो हैं वह मेरी माता हैं और मैं उनका बालक हूँ। कबीर ने संख्या मूलक प्रतीकों के साथ सिद्धों और नाथों की पारिभाषिक शब्दावली यानी ऐसे प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। अगली विशेषता आती है छंद योजना कि कबीर के काव्य में छंद योजना किस प्रकार की थी। काव्य में कोई न कोई छंद रहता है। कबीर के काव्य में साखी, शबद, रेमेनी और पद, इनका ही अधिक प्रयोग हुआ है। पदों में भी चौपाई हैं, सविया हैं, ताटंक हैं, सार छंद हैं, मात्रिक हैं, दंडक हैं, विष्णुपद आदि छंदों का मेल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कबीर की साखियाँ दोहा प्रतीत होती हैं। सभी साखियाँ कैसी लगती हैं, जैसे ये कोई दोहा लिखा गया है, फिर भी इनमें और छंद भी मिले हुए रहते हैं। हम इतना कुछ पढ़ने के बाद में कबीर को एक प्रकार से कह सकते हैं कि कबीर एक मस्त मौला, फक्कड़ स्वभाव की झलक वाला एक साधक था और उनके काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में ही मस्त मौलापन, फक्कड़ स्वभाव की झलक मिलती है। विशिर से पैर तक मस्त मौला था। उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई और आत्मा का बल है, इसी कारण वे अखंड निर्भय दिखाई देते हैं। काव्य के कलापक्ष को अलंकृत करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया और व्याकरण तथा छंद के बंधनों की परवाह भी नहीं की। फिर उनका काव्य अनेक विशेषताओं, अनेक प्रवृत्तियों से मंडित हमें मिलता है। प्यारे दोस्तों, आज हमने कबीर के काव्य सौंदर्य पर जो विवेचन किया, ये विवेचन आपको कैसा लगा, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।